हेलो फ्रेंड, दिस इज़ गीता साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सिराथपुरा सरकार यूनिवर्सिटी धनेली रायपुर छत्तीसगढ़। टुडे आवर टॉपिक इज मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर। तो व्हाट इज़ द मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर? फॉर द इवल्यूशन ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर आर रिक्वायर्ड बिकॉज द अपेरेंट ऑफ विस्कोसिटी इज टू बी डिटरमाइंड एट अ सीवियरल रेट ऑफ सीयर टू गेट इंटायर कॉन्सिस्टेंसी ऑफ कर्व। हमें मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि नॉन फ्लूइड जो होता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, इसकी विस्कोसिटी डिटरमाइन करने के लिए हमें मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर की आवश्यकता होती है। मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर के अंदर आते हैं कप एंड बॉब विस्कोमीटर, कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर। इस वीडियो लेक्चर में हम कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर के बारे में जानते हैं। द कोन इज ड्राइवन बाय द वेरिएबल स्पीड मोटर एंड द सैंपल इज सीयर्ड इन द नैरो गैप बिटवीन द स्टेशनरी प्लेट एंड रोटेटिंग कोन। ये जो कोन होता है वो स्टेशनरी फेस के ऊपर में, स्टेशनरी एक प्लेट जैसा होता है उसके ऊपर में होता है और वो रोटेट करता है, उसके बीच में फ्लूइड को फिल किया जाता है। द रेट ऑफ सीयर इन द आरपीएम इंक्रीज्ड एंड डिक्रीम बाय द सेलेक्टर डायल एंड द विस्कस इंट्रैक्शन ऑफ ट्रॉक्यू प्रोड्यूस्ड ऑन द कोन इज रीड ऑन द इंडिकेटर स्केल। जो लिक्विड की विस्कोसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग जो कोन होता है उसका रोटेशन को ट्रक्यू के थ्रू में अल्टर किया जा सकता है और जो स्पीड होती है उसे रिकॉर्ड किया जाता है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे द रेट ऑफ सीयर इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट द एंटायर सैंपल बिंग स्टीयर्ड। इसमें जो प्लग फ्लो होता है वो ऑब्जर्व नहीं होता है और जो सैंपल होता है वो हमें कम क्वांटिटी में, जैसे 0.1 टू 0.2 ml में ही हम उसकी विस्कोसिटी डिटरमाइन कर लेते हैं। इसको क्लीन करना, इसको फिल करना बहुत ही इजी होता है और इसका हमको डिटरमाइन करने के लिए बहुत कम टाइम की आवश्यकता होती है। सो लेस टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द टेम्परेचर इक्विलिब्रियम। ये उसका स्ट्रक्चर है, ये कोन है ऊपर में और नीचे स्टेशनरी प्लेट लगी हुई है, उसके बीच में फ्लूइड है जिसमें हम जिस भी लिक्विड की विस्कोसिटी डिटरमाइन करनी है उसे फील करते हैं और उसके बाद ट्रॉक्यू के सहायता से उसकी स्पीड को मेंटेन करके उसको एक निश्चित आरपीएम पे घुमाते हैं और फिर उससे उसकी स्पीड को से जो रिकॉर्ड होता है उसके उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। सेकेंड है हमारा कॉप एंड बॉब विस्कोमीटर। ये सेम कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर की तरह होता है, बस इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि जैसे उसमें कोन था उसकी जगह यहाँ पर बॉब होता है और स्टेशनरी फेज में प्लेट की जगह में कप होता है। दिस इज द मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर एंड बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ रोटेशनल विस्कोमीटर। द सैम्पल इज प्लेस्ड इन द कप एंड बॉब इज प्लेस्ड इन द कप अप ऑन अप्रोप्रिएट हाइट। द सैम्पल इज एकोमोडेटेड बिटवीन द गेप ऑफ कप एंड बॉब। ये देखिए ये स्ट्रक्चर, इसमें नीचे जो स्टेशनरी फेज है वो कप है और ऊपर में एक बॉब लगा हुआ है जिसे हम एक निश्चित हाइट पे सेट करते हैं और ऊपर में ट्रॉक्यू की सहायता से इसका हाइट जो होता है वो मेंटेन करते हैं। कप में लिक्विड लेते हैं, लिक्विड लेने के बाद उस बॉब को ट्रॉक्यू की सहायता से रोटेट किया जाता है। रोटेट करने पर वो जितने आरपीएम पे राउंड करता है उसकी जो रीडिंग होती है उसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, सेम एज द कोन एंड प्लेट विस्कोमीटर। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो आरपीएम होता है और ट्रॉक्यू रिप्रेजेंट द रेट ऑफ सीयर एंड सीयरिंग स्ट्रेस रिस्पेक्टिवली। द फ्लोइंग इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट द अपेरेंट विस्कोसिटी ऑफ सुडोप्लास्टिक सिस्टम। इसमें जो मेनली नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है जिसे हम सुडोप्लास्टिक जो लिक्विड होते हैं उसको इस इक्वेशन से डिटरमाइन कर सकते हैं। इक्वेशन है ईटा इक्वल टू के अपॉन डब्ल्यू अपॉन वी। यहाँ जो ईटा है वो विस्कोसिटी को डिनोट करता है और जो के होता है वो कांस्टेंट होता है और जो डब्ल्यू की वैल्यू होती है वो हाइट ऑफ प्लेस्ड ऑन द एंगर होता है और वी जो होती है वो आरपीएम और सीयर रेट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।